दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस फॉर्म को कैसे आपको भरना है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। स्टार्टिंग में आप यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, ये तो आपके पास है ही नहीं तो ऊपर वाले को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपको अपना नेम लिख देना है एप्लीकेंट का, ठीक, कैपिटल में। उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे, एक बॉक्स को छोड़ कर लास्ट नेम। उसके बाद मेडन नेम को छोड़ देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे इस बॉक्स में, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेट, आप शादीशुदा है तो मेरिट पे या नहीं तो फिर अनमेरिट पे। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ फादर का नेम या फिर मदर या फिर सपोज, तो चलिए फादर पे टिक करके नीचे आपको फादर का नेम लिख देना है, ठीक है, फादर का नेम नीचे आपको लिख देना है। उसके बाद सेवन्थ नंबर वाला जो कॉलम है जिसमें आपको नंबर ऑफ डिपेंडर्स, आप कितने के ऊपर डिपेंड है, तो इसको या तो छोड़ दीजिए या फिर लिख दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप अनपढ़ है तो इस पर टिक कीजिए लिटरेट पे या फिर छोड़ दीजिए, इस पर नो पे टिक करेंगे नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्री का नेम यहाँ पर लिख के सिटीजनशिप इंडियन जो भी है। अब आते हैं ऑक्यूपेशन टाइप में, आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर कुछ भी करते हो आप, तो चलिए यहाँ पर मैं प्राइवेट सेक्टर पर टिक कर देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर नीचे, अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आप बिजनेस करते हो ऊपर बिजनेस आपने लिखता है तो आपको यहाँ पर नेम और बिजनेस का इंफॉर्मेशन देना होगा। अब आते हैं यहाँ पर 14वें नंबर पहले कॉलम पर, तो यहाँ पर आपको मंथली इनकम अपने लिखना है कि आप एक महीने में कितना कमाते हो, 12,000-15,000 वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है नेटवर्थ, आप एक साल में कितना कमाते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी आप एक साल में आपका कमाते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे रिलीजियन, आपका धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन सिख जो भी हो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो हम यहाँ पर जनरल पर राइट कर दिया। यहाँ पर पर्सनलिटी विद डिसेबिलिटी, यानी कि आप जो है डिसेबिलिटी का मतलब ये कि अगर आप अपाइज वगैरह है तो आपको यस पर राइट कर देना, नहीं है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑप्शन आता है 19वां, इसमें है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। अगर आप नाइन्थ पास है तो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा, और आपने अगर ग्रेजुएट किया है तो आपको ग्रेजुएट पर राइट करना होगा, जो भी आप हो आपको वहाँ पर राइट कर देना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 20 नंबर वाला कॉलम आप छोड़ सकते हो। 21 नंबर वाले पे आते हैं कि कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इन इंडिया ओनली, नॉट इन एनी अदर कंट्री टू ट्रेड आउटसाइड, तो आपको यहाँ यस कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, ये जहाँ पर पैन कार्ड दिख रहा है यहाँ पर पेन, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर इस बॉक्स में आपको डालना है, और यहाँ पर है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको यहाँ पर +91 लगा के कंट्री कोड लगा के आपका मोबाइल नंबर इस बॉक्स में आप लिख दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी दे सकते हो, ईमेल आईडी से आपके जो अटैचमेंट होता है स्टेटमेंट का वो आपको ईमेल आईडी पे मंथली आता रहता है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब आ चुके हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेपर पे, सेकंड पेपर पे, तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई, आईडी कार्ड के लिए आप क्या दे रहे हो, अगर आप पासपोर्ट दे रहे हो तो आपको ए पे सेलेक्ट करना है, वोटर दे तो वोट बी पे सेलेक्ट करना है। हम दे रहे हैं यहाँ पर आधार कार्ड, तो हम जो है डी वाला जो ऑप्शन है प्रूफ ऑफ प्रोवेशन ऑफ आधार नंबर वेरिफिकेशन, इसलिए हम यहाँ पर इस पर राइट कर देंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उसका नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इजूड बाय, ये किसने आपको जो है इजूड किया है, इजूड डेट, आपको कब इजू किया गया उसकी डेट और एक्सपायर डेट आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस में वो लिखना जरूरी है, इसलिए आपको यहाँ पर स्टार्टिंग डेट कब इजू किया गया है और कब एक्सपायर होगा वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आधार कार्ड में अगर नहीं भी लिखता तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर है एड्रेस डिटेल, आपको यहाँ पर करंट पर राइट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ई एड्रेस डिटेल, यानी कि सेम एज करंट परमानेंट, यानी कि जो आपने ऊपर एड्रेस दिया है उसी एड्रेस पर अभी रह रहे हो आप, तो आपको यहाँ पर सेम पे राइट कर देना है। अगर मान लो कि आप इसको आप छोड़ सकते हो, ओवीडी फार्म है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर डिक्लेरेशन कम अंडर टेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दीजिए अपना कलर फोटो, उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर कर दीजिए अपना। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस, यानी कि आपकी ब्रांच किस जगह पे है,
उस ब्रांच का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, ठीक है। प्लेस, प्लेस में आप कुछ भी लिख सकते हो, जहाँ से इस फॉर्म को फिल कर रहे हो वहाँ प्लेस लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों आप ब्रांच का नाम ही लिखिए क्योंकि फॉर्म आप वहीं पे जमा कराओगे प्लेस में। उसके बाद यहाँ पर डेट डाल दीजिए, आप फॉर्म को आज आज जमा कर रहे हो तो आज की डेट, कल कराओगे तो कल की डेट, ठीक है। ये है एच फॉर ऑफिस, तो इसको तो आपको छोड़ देना है क्योंकि ये वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ये ऑफिस के लिए यूज करना। अब वहाँ आ चुके हैं हम तीसरे नंबर वाले पेज पे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से ऊपर वाला बॉक्स को छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर है टाइप ऑफ अकाउंट, आप कौन सा अकाउंट इस ब्रांच में खुलवाना चाहते हो, सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो यानी कि बचत खाता जो अधिकतर लोग खुलवाते हैं, तो आपको सेविंग अकाउंट आपसे राइट कर सकते हो। मोड ऑफ ऑपरेशन, या आप अपना खुद का अकाउंट खुलवाना चाहते हो या फिर किसी का खुलवाना चाहते हो या फिर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो। अगर आप खुद का खुलवाना चाहते हो तो यहाँ पर सेल्फ पर टिक करेंगे, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेटेड क्लिक करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर खुद का सेलेक्ट करने वाले हैं, इस खुद का किया। उसके बाद है सर्विस रिक्वायर्ड, आप अपना जो है सर्विस कौन कौन सी सेवाओं का जो है यूज करना चाहते हो SBI के अकाउंट के लिए। पर है ATM कम डेबिट कार्ड, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हो तो फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए या फिर सेकंड एप्लीकेंट के लिए, दोनों के लिए अगर आप ATM को राइट करते हो तो दोनों के लिए ATM आएगा। यहाँ पर हम खुद का अकाउंट खुलवा रहे हैं सेल्फ के लिए, इसलिए फर्स्ट एप्लीकेंट पे यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि हमें डेबिट कार्ड ATM कार्ड चाहिए, इसलिए हम यस पे राइट कर देंगे। उसके बाद आप जो आपका डेबिट कार्ड है ATM कार्ड, उस पर कौन सा नाम प्रिंट करवाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। ये नेम प्रिंट होकर डेबिट कार्ड के आएगा, फर्स्ट नेम लिख दिया, उसके बाद एक बॉक्स को छोड़ा, फिर लास्ट नेम हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर ऑप्शन है कार्ड टाइप, आप कौन सा टाइप चाहिए मतलब कार्ड का, तो आप रुपए सेलेक्ट कर सकते हो या वीजा भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रुपए पे राइट किया क्योंकि हमें रुपए का कार्ड चाहिए। अब यहाँ पर चेकबुक, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप यस पे राइट कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कीजिए। अब इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिए, नहीं चाहते हैं तो नो पे क्लिक कीजिए। SMS अलर्ट, आप चाहते हो कि जो भी लेन देन हो आपके मोबाइल पे SMS आए तो आपको यस पे टिक करना होगा, नहीं चाहते हैं तो नो पे करना होगा। फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज, अगर आप फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यस पे करेंगे, नहीं चाहते नो पे करेंगे। मोबाइल बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग जो होता है मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र की सर्विस, अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो यस पे करेंगे, नहीं करना चाहते नो पे क्लिक करेंगे। पासबुक रिक्वायर्ड, अगर आप पासबुक चाहते हैं अपने सेविंग अकाउंट की तो आपको यस करना होगा, नहीं चाहते हैं तो नो पे करना है। ई स्टेटमेंट एट मंथली, मतलब जो हर महीने आप स्टेटमेंट अपनी ईमेल आईडी पर चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड पे करना है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं चाहते हैं मंथली अपनी ईमेल आईडी पे, आप तो नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है, राइट करना है। अब ये है फिक्स डिपॉजिट, अगर आप इसमें साथ में FD भी करवाना चाहते हो अकाउंट के साथ में, अलग से नहीं करवाना पड़ेगा आपको, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपको FD नहीं करवाना है तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये इस कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, बाद में भी FD करवा सकते हो। अभी यहाँ पर आ चुके हैं नॉमिनेशन रिक्वायर्ड, आप नॉमिनेट कौन किस आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि अगर आपको भविष्य में कुछ हो जाता है तो वो पैसे होते हैं वो उन्हीं को मिलेंगे जिनको आप नॉमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने नॉमिनेट का आपको नेम लिख देना है। अगर आप चाहते हो कि पासबुक पर नॉमिनी का नेम प्रिंट हो गया है तो आपको यहाँ पर राइट करना है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इससे क्या होगा कि प्रिंट पासबुक पर नॉमिनी का नेम प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिख देना है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख देना है, नॉमिनी की एज यहाँ पर लिख देना है, नॉमिनी से आपके क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, फादर ब्रदर वगैरह जो भी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। ये ऑप्शन है, आपको ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर, अगर माइनर है मतलब आप बच्चे का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ही आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको यहाँ पर ये फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर ये फिल करना है। तो 18 साल से ज़्यादा का अकाउंट खुलवा रहे हैं इसलिए हम इसको फिल नहीं करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे सिंपली। उसके बाद नीचे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन है डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन, आपको प्लेस वहीं से फिर से ब्रांच का नेम लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है अपने, उसके बाद डेट लिख देना है जब भी आप इस फॉर्म को जमा कराओगे। फिर से यही कॉलम आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज अटेंशन, यहाँ पर ऑफिस वाले इसको वेरीफाई कर लेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगी टर्म एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि ये टर्म एंड कंडीशन है, इसको पढ़ लीजिए आप पढ़ना चाहते हो तो, वरना इसको यहाँ पर सिंपली सिग्नेचर करना है आपको यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिए, उसके बाद नीचे वाला जो कॉलम है एक्नॉलेजमेंट, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हम नेक्स्ट पेपर में,
ये है 6 नंबर वाला पेज, इसको भी आप छोड़ दीजिए। 10 नंबर वाला जो पेज है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम टैक्स रूल्स 1962। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ही आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, लेकिन SBI में बिना पैन कार्ड के जो है अकाउंट खुलता ही नहीं है, इसलिए आपको पहले पैन कार्ड बनाना होगा। आपके पास पैन कार्ड है तो इसको आपको सिंपली ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, ये आपको भरना नहीं है। सिंपली नीचे आइए और यहाँ पर वेरीफिकेशन पर अपना नाम लिख दीजिए, ID में जो भी आपका नाम है, उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिख दीजिए, ब्रांच का नेम, और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने कौन सा इसमें डॉक्यूमेंट दिया है। मान लो हमने फर्स्ट पे यहाँ पर दिया है आधार कार्ड, तो सिंपली आधार कार्ड पे आपको एक राइट कर देना है। लास्ट पेज हमारा, अब दोस्तों ये नेक्स्ट पेज है हमारा, अब दोस्तों ये लास्ट पेज है हमारा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिटेल ऑफ रिलेटिव पर्सन। अगर आप माइनर का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जिसकी उम्र 18 से कम है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देना होगा जिसका पहले से SBI में अकाउंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना होगा। तो हमारे केस में हम जो है 18 से ज़्यादा का अकाउंट खुलवा रहे हैं, इसलिए हमको ये नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद ये फटका डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको भी आपको छोड़ देना है, ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप सिग्नेचर कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करते हो तो इस फॉर्म को आपको ब्रांच में जमा कर देना है, जिससे आपका जो है अकाउंट खुल जाएगा।